बैक टू किम्पीज किचन। मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, बट मैं अब क्या करूँ, मेरा एग्जाम चल रहा था और अब ऑफिस भी देखना पड़ता है। पर आज मेरा ना बहुत मन कर रहा है कुछ स्ट्रीट फूड खाने का, तो मटर कुलचे बनाए क्या? किचन में चल के मटर कुलचे बनाते हैं, वो भी चटपटे वाले। तो कुलचे का आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ और बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। आपके पास ड्राई ईस्ट है तो आप वो डाल लें, आपके कुलचे उससे बहुत ही प्यारे और खिले खिले बनेंगे। अब मैं 3/4 कप कर्ड ऐड कर रही हूँ और इसको लूकवॉर्म वाटर से मिक्स करूँगी और एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करूँगी। अब मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा वाटर मिक्स करके हमें इसका एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है ऐसे। अब मैं इसको ढककर 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी और दोबारा नीट करूँगी। तब तक हम अपनी एक चटनी प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमें इमली चाहिए। तो ये इमली को मैंने लूकवॉर्म वाटर में अराउंड 30 मिनट सोक करके रखा है, तो ये ऐसे दिखेगा आपको। तो अब हमें इसका जो अंदर के सीड्स और वो सब है हमें अच्छे से हाथों से अलग करने हैं ऐसे। तो अब मैंने इसके सीड्स और वो सब अलग से निकाल लिए हैं और इमली का जो पल्प है वो अलग से निकाल लिया है। अब हम अपनी एक चटनी बनाएंगे जिसके लिए मैंने पुदीना लीव्स लिए हैं। मैं 2 ग्रीन चिलीज लूंगी इसमें डाल रही हूँ। अब 1 ब्लैक इलायची लूंगी, काली इलायची, 1 स्मॉल पीस ऑफ जिंजर डाल रही हूँ और 3-4 ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अब जो मैंने इमली का पल्प बनाया है उसके अराउंड 6 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। फिर अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें आमचूर ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और एक चटनी बना लूँगी। अब हम अपने मटर बनाते हैं। मटर बनाने के लिए मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ली हैं, अपनी मटर की चटनी जो प्रिपेयर की है वो ली है, अनियंस लिए हैं, टोमेटोज लिए हैं, क्यूकम्बर लिया है और 1 ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड ली है। तो अब मैंने अपने ओवरनाइट सोक छोले जो है उनको प्रॉपरली बॉईल कर लिया, अराउंड 6-7 विसल्स लगाई हैं इनके। देखिए आप छिलका उतर गया, तो ये प्रॉपरली बॉइल्ड हैं। अब मैं इसमें अनियंस डाल रही हूँ। अब टोमेटोज ऐड कर रही हूँ। अब मैं क्यूक्यूम्बर ऐड कर रही हूँ और अपनी ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड वाली ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ये ग्रीन चिलीज स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने चटनी के अंदर ऑलरेडी 2 ग्रीन चिलीज ऐड करी हैं। अब मैं इसके अंदर चटनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको प्रॉपरली ऐड करके मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें धनिया लीव्स ऐड करूंगी और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भी डालूंगी एज पर टेस्ट और इसको फिर अच्छे से मिक्स करूंगी। तो हमारे छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब मैं इसमें लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। मिक्स कर रही हूँ।
माय छोले बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। ये मैंने थोड़े से अनियंस डाले हैं, थोड़े टोमेटोज डाले हैं गार्निश करने के लिए। कोरिएंडर लीव्स डाली हैं। तो हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अपना आटा देख लेते हैं। तो अब हमें 20-25 मिनट्स हो चुके हैं। इसको मैं एक बारी दोबारा नीट कर रही हूँ। ये मैंने अब एक मीडियम साइज पेड़ा लिया है और इसको मैं हल्के हाथों से बेलूंगी। मैंने नीचे सूखा मैदा भी फैला रखा है ताकि वो चिपके ना। अब मैं इसमें अपनी कोरिएंडर लीव्स ऐसे हल्के हल्के हाथों से चिपका दूंगी और इसको हल्के हाथों से बेलूंगी। तो ऐसे मैंने अपने 3 कुलचे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे गैस पे सेकेंगे। यहाँ पे मैंने बटर लिया है पैन पे 1/2 टेबल स्पून और अब मैं अपना कुलचा पैन पे डालूंगी। और याद रहे कि आप इसको लो और मीडियम फ्लेम के बीच में ही पकाएं, वरना ये जल भी सकते हैं। तो हमें एक प्यारा कलर चाहिए इस पे, तो वो सिर्फ लो और मीडियम फ्लेम पे ही आएगा। हमारे कुलचे भी बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम सर्व करेंगे अपने मटर के साथ। आप देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया है और खाने में भी वो इतने ही मज़ेदार होंगे। तो गाइज, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूरी करें। तब तक ले बाय।